की मिलता है तेनू हाँ इस पागलपन से। बेगम जान ने पना दी कि तेरा बुरा चाहोगी। हाँ चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत मचाना कोए। कबीर डबल डिप्टी नाम, हिंदू भी हो सकता है मुसलमान भी। ऊपर है धागा नीचे सुन्नत, अंते विच पंडित दी टोपी मुल्ले दा टोपा दोनों है। कब कौन से इलाके में हूँ दंगा करवाना पहले से थोड़ी ना पता है, लेकिन दोनों तरफ लौंडे हमेशा तैयार है। सब दा एक ही धर्म, पैसा। काम खत्म, पैसा हजम। बोलो किसका काम तमाम करवाना है? हमें कोठी खाली करवानी है। कोठा? हाँ मतलब कोठा, दो रंगला और शक्करगढ़ के बीच में जो है वही। वो रंडी खाना तुम लोगों ने जो करना था कर लिया ना, क्योंकि एक बार कबीर दे लड़कों ने काम शुरू कर दिया, समझ गए ना? हमें जो करना था हमने कर लिया है, अब तुम्हें को संभालना है। संभालना मतलब मार दूं सीधे सीधे गोली से या चाकू से या फिर गला दबा कर? बड़ा मजा आंदा उसमें। या फिर उठवा के इज्जत लुटवानी है, या फिर सिर्फ छाती उखाड़नी है, या सही जगह पर रॉड से मारना है। हर काम दी अलग कीमत होती है। तुम पैसे की चिंता मत करो, पर मेरे ख्याल से इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाने से कुछ लोग होंगे, बंदूक भी होगी, तदा धमका के जो हो सके, पर ना आप गोली, सिर्फ गोली। हाँ साबुन पाउडर दाल चोल सारा कुछ खत्म होने वाला है। इस बारी लता जाओगी सुजीत देना। हाँ अकेले बोरिया तो कोने ढोंगी मैं, थन्ने आओ ना पड़ी। इधर दो वक्त की रोटी नहीं मिले है, मारे हाथ पग में जान कोनी है। थन्ने ध्यान है ना मैं मांस मच्छी कोनी खाऊं? ए लता रानी सा कैम, जो मांस मच्छी नहीं खाते वजन नहीं उठाते क्या? गाय भैंस गधेड़े हाथी बद्दा शाकाहारी छेड़े रहन दे, जिन्हों खानदान रो कोई खबर कोनी है उन्हें खाने रो कहीं ज्ञान। साली नीच कहीं की एक कुतरी जात पे मत जा, कम से कम हमारी जात में जीवती नार को मरत की चिता में नहीं फेंक देते। क्या भूल गए किशु कैसे आधी जली हुई भाग के आई थी? साली मदर बकर छिना, अरे को तो हट मारे मुंह ना कर, मुंह तो हट से चाचा मत छोड़ाओ, दाना पानी बंद कर देंगे। जमीला लेकर क्या मांस जो गांव वालों ने भेजा है, जाओ जल्दी। जात पात का पंगा लेने रे लिया, हम बाद ना हम सब दिखे ना अंदर में, दिखेगा क्यों नहीं? जमीला हां बेगम जान दाल अच्छी बनी है, बढ़िया थोड़ा और दो बेगम जान। सलीम चाचा आप हमें बंदूक चलाना क्यों नहीं सिखाते? गए साल आपके सिपाही दोस्त लोग जो बंदूक के छोड़ के गए थे वो पड़े पड़े सड़ रही हैं। बेगम जान से पूछ ले, सिखा दूंगा। बेगम जान आप ही कुछ कहिए ना। अरे पागल, हम लोगों के सर पे राजा साहब का हाथ है, उनके होते हो तुम लोग बंदूक क्यों उठाओगे? हाँ जावीला जा देख, मजा आ गया। स्वाद है बेगम जान। भैया जमीला के घोले सत्तू नहीं खाए बहुत दिनन से। पानी दिया सुजीत, ये लो कांदो आपने ले लो। सलाम बेगम जान, आज खाने विच गोश्त पसंद आया सबनों? अच्छा था ना? शेकू नू देखते ही समझ गया था उसमें से बहुत सारा गोश्त निकलेगा। आप लोग तिक्का कितना खांदे हो ऐ तो पता नहीं, अपने हिसाब से पका दिया, लेकिन भालू नू आपके लिए छोड़ दिया, अब आप लोग उसको अपने तरीके से पका लेना। और एक बात बेगम जान, अब ये कोठा खाली करना पड़ेगा,
दो मुल्क बनने जा रहे हैं ना, तो शेकू दी तरह कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका कबीरा। बच्चों की हिफाजत का जिम्मा मेरा था, बच्चों की हिफाजत का जिम्मा मेरा था, उन बच्चों की हिफाजत का जिम्मा मेरा था, मेरा था, मेरा था। सिर्फ डरा धमका के चुप बैठेगा ये कबीर? राजा को समझा बुझा के हटवा नहीं सकते बेगम जान को यहां से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे लगता है 100 बरस बाद जब बच्चे इतिहास के पन्नों पर पार्टीशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बेगम जान या मेरे तेरे किस्से होंगे? इतिहास में मोहरों की बात कौन करता है? बात होती है तो बादशाहों की बात होती है, लेकिन मैं 100 साल बाद की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं, अभी की। इलियास मियां का दिल तड़प उठा है। हाँ, इलियास मियां का दिल तड़प उठा है डंडियों के लिए, यही कहना चाहते हो ना? अरे इलियास, ये बेगम जान का कोठा उखड़वाने के लिए हमें न स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी, न दंगे करवाने की, कम से कम इन दो इलाकों में। यू समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहें, इसलिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। समझ लो कि आज ईद है, बकरीद। मर्दों की फौज, बेजुबान जानवरों को कायर साले, उनकी चमड़ी उधेड़ के चाबुक बना के उन्हीं को मारूंगी। जुबान दीजिए, आप छोड़ेंगे नहीं सालों को। अपने हाथों से बचपन से बारिश में ठंड में बदन पोछ के दूध तक। क्या हो गया गले में तुम्हारे? शेखू का बाल अटक गया है गले में। कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा। नहीं है, है, उतरता ही नहीं गले से। अब छोड़ चले लखनऊ नगरी, हत पूछो अदम पे क्या गुजरी। बेगम, हमें लगता है कि तुम लोगों को भी यहां से जाना होगा। क्या वक्त बदल रहा है, हम गए थे दिल्ली, सब कुछ बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। जूनागढ़ के राजा भी आए थे दिल्ली, कश्मीर और हैदराबाद से कहा गया है कि वो जिस तरफ रहना चाहते हैं फैसला कर लें। तो मतलब उससे क्या, राजा तो राजा ही रहेंगे ना, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या फिर वो क्या नाम पाकिस्तान के। बेगम जान, राजा अब राजा नहीं रहे, अब प्रजा राज करे। दिल्ली और कराची का एक ही मंसूबा है, कुछ सालों बाद सारे रजवाड़े और जमींदारी सरकार की होगी। और आप लोग शतरंज के मोहरे बन के रह जाएंगे। राज खजाने का हाल तो तुम्हें मालूम ही है, लोग छटते जा रहे हैं, चीजें बिकती जा रही हैं, ऊपर से ढेर सारे मुकदमे हैं। तो आप बेगम, सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ। अब तुम लोगों को बचाना मेरे बस में नहीं है। अब तो सब कुछ आपके बस के बाहर है,
आज सास छेड़ा भी तो आपसे कुछ नहीं होगा। बेगम। सलीम। जी बेगम जान। सलीम, राजा साहब बहुत थक गए हैं, उन्हें कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है और बहुत जल्द निकल जाएंगे, सारा इंतजाम कर देना। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। अब जो भी हो, भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी अपने महल में।